एक तरफ मोदी शाह योगी की तिगड़ी तो दूसरी तरफ राहुल प्रियंका की जोड़ी। प्रियंका गांधी ने ठान लिया, अपनी सियासत को जान लिया, भाई के लिए तो कुछ भी करेंगी। 2024 में राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम पद का चेहरा बनाना, इसलिए जोरदार निशाना लगाना है, बीजेपी को हराना है। प्रियंका गांधी ये वो नाम है जिनकी सियासत अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी की तरह हो गई है। राहुल के लिए तो बीजेपी ने जनता के बीच धारणा बना दी, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर पाए। प्रियंका को हालांकि अपने सियासी चक्रव्यूह में बीजेपी ने ना जाने कितनी बार फंसाने का प्रयास किया, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते हुए निकलती चली गई। प्रियंका गांधी सियासत की दुनिया में अब वो नाम बन गई हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर अपने भाई राहुल गांधी का इस तरह साथ दिया, इस तरह से सेफली निकाला कि विरोधी हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रियंका गांधी बीजेपी के लिए धीरे धीरे एक ऐसा खतरा बन चुकी हैं जिसका तोड़ अभी बीजेपी के पास नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासत के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव नींव का पत्थर साबित हो सकता है। अगर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस मात दे दें, ये बात राहुल गांधी बखूबी जानते हैं। गांधी परिवार को पूरी तरह से मालूम है, कांग्रेस के रणनीतिकारों को एहसास है। कर्नाटक में अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो विपक्षी एकता की सियासत पूरी तरह से बदल जाएगी। विपक्ष की सभी पार्टियों की सियासत उनके इर्द गिर्द घूमने लगेगी। अब राहुल की राजनीति को धार देने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सियासी समझ से सबको चौंकाया। जो परिणाम आया उससे मोदी शाह नड्डा सब हैरान रह गए। इस बार फिर से प्रियंका कर्नाटक में है। ऐसे में सवाल है, क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या राहुल प्रियंका की जोड़ी मोदी शाह योगी की तिगड़ी की सियासत को अपनी सियासत से बैकफुट पर धकेल पाएगी? कर्नाटक में हो रहे विधानसभा के चुनाव में राहुल और प्रियंका गांधी की हुई बड़ी रैली और रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ से कुछ इस तरीके के संकेत निकलने शुरू हुए। कर्नाटक के अलग अलग जगहों पर हुए रोड शो रैली में प्रियंका गांधी को सुनने के लिए जिस तरीके से लोग खड़े रहे, उससे सियासी गलियारों में चर्चाएं यही रही कि अगर प्रियंका गांधी पर कांग्रेस मजबूती से दांव लगाकर उनको हिमाचल और कर्नाटक की तरह आगे करती है तो 2024 में कांग्रेस के लिए ये बड़ा फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। एक अडानी की कमाई 1600 करोड़ रुपए एक दिन में और भारत के एक किसान की कमाई 27 रुपए एक दिन में, और भारत की जितनी भी संपत्ति है सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी है। तो जब सरकार की नीयत यह होती है लूट लालच सत्ता, तो यही होता है, और इसे ठीक करने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है अपना हक मांगो, जिन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता महंगाई से तरस रही है अपना हक मांगो, जिनको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से जाग जाओ, इस लड़ाई झगड़े से सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। चाहे तुम हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो कुछ भी, फायदा सिर्फ उन्हें हो रहा है। और जितना इनकी बातों में आप पढ़ते चले जाएंगे उतना नुकसान इस प्रदेश का इस देश का होते चले जाएगा। प्रियंका गांधी ने अपनी पहली बड़ी रैली में कर्नाटक की जनता को उनकी अपनी संस्कृति और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कर्नाटक के अलग अलग शहरों और इलाकों में भी प्रियंका गांधी की रैली से कांग्रेस को न सिर्फ बड़ी उम्मीदें दिखी बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव एक नई उम्मीद भी नजर आई। प्रियंका गांधी की रैली में उमड़ी भीड़ का अगर आकलन किया जाए तो ये पता चलता है कि वो कांग्रेस के बड़े चेहरों में से सबसे प्रभावशाली चेहरे के तौर पर पहचानी जा रही हैं। इसके अलावा वो कर्नाटक में कांग्रेस के अब तक पहुंचे सभी बड़े नेताओं में सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाले नेता के तौर पर पहुंची। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक में रैली की और लोगों का हुजूम जुटा वो कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव है। प्रियंका गांधी की रैली में शामिल होने सुनने के लिए जिस तरीके से भीड़ जुटी वो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि इस साल होने वाले दूसरे अन्य राज्यों और लोकसभा चुनावों के नजरिए से पार्टी को एक बड़ा संदेश ही दे रही है। ये संदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता के चेहरे के तौर पर है और संदेश ये भी कि राहुल के पास अब उनकी बहन प्रियंका गांधी की एक्टिव सियासत है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी के इस भीड़ खींचने और भरोसे वाली इमेज को आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भी प्रमुखता से आगे रखकर माहौल बनाया जाएगा। पहले सबको समझेगी बीजेपी कांग्रेस सारी दूसरी पार्टी और देखेगी कि अपना क्या अनुभव है। 3 साल में अभी मुझे बताया महंगाई बहुत है, गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है, और फिर सोच समझ के वोट देना है। योजने माड़ी, जब कांग्रेस की सरकार आएगी मुझे बस में ले जाना है फ्री।
प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में अपनी पहली जनसभा और रोड शो में एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की तुलना में ज्यादा लोगों की भीड़ खींचने में आगे हैं। कर्नाटक में जिस तरीके से अपने पहले रोड शो में इतनी भीड़ इकट्ठा की, वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता खासकर राहुल गांधी के लिए बूस्टर डोज के तौर पर होगी। और अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीत जाती है तो विपक्षी एकता कांग्रेस की अगुवाई में एक लय के साथ बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकती है। और उसके साथ ही जहां जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा, वहां मोदी शाह योगी के खिलाफ आपको राहुल प्रियंका की जोड़ी दिखेगी। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। नन्ना तम्मा अन्ना ऐतने ये देश चलो गाली अष्टे अल्ल गोली सुन के तुगलक नान सिद्ध निधि अंत। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो गोली दो छुरा मारो कुछ भी कर लो। राहुल गांधी और ऐतने ये देश जनरिगोस्कर ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಬೈದಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೋದೆಂದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಘಬರಾವ್ ಮತ್ ಮೋದಿ ಜಿ, ಘಬರಾವ್ ಮತ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಹೇ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಸಬ್ ಸಹನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ, ಹಿಮ್ಮತ್ ರಖನಿ ಪಡ್ತಿ ಹೇ, ಆಗೆ ಬಡ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ. ಮೋದಿ ಅವರೇ ಅನ್ಸ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ನೀವೇ ಕನ್ಸ್ತೀರಿ. ಆರ್ ಕ್ಯೂಕಿ ಆಜ್ ಮೇ ಆಪ್ಸೆ ಬಾತ್.